हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेडी शर्ट बनाना सिखाऊंगी जिसका मेजरमेंट है चेस्ट 34, वेस्ट 32, लेंथ 26 और शोल्डर 14। आइए पहले इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग में आपको सेंटीमीटर में बताऊंगी क्योंकि पेपर छोटा है, तो आइए पहले ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ये मेरा पेपर है, हम पहले इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे शर्ट की। उसके लिए हम लेंथ रखेंगे। सबसे पहले लेंथ हमने 26 ली है, जो हमारा फ्रंट का पीस है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है, दो ये लाइन बना ली हमने। अब हम यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे, 8.5। और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे यानी कि 10.5। आगे हम जो बटन की हुक की पट्टी होती है हमारी, सॉरी बटन की और आई की पट्टी होती है, उसके लिए हम 2 इंच और एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये हमने बटन की पट्टी के लिए और आई की पट्टी के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पे भी लाइन बना देंगे। ये हमने 2 इंच की लाइन बना दी है, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ रखा है हमने, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर हमने चेस्ट का फोर्थ भाग प्लस 2 इंच रखा है। यहाँ से हमने नेक के लिए 12वां भाग रखा है चेस्ट का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको हम गोल कर देंगे। जिस तरफ हमने ये 2 इंच की पट्टी छोड़ी है उस साइड ही हम नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ से अपना शोल्डर रखेंगे 7 इंच, और यहाँ से जो हम आर्म होल के लिए रखेंगे वो शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंच, 7 इंच में -1 कर देंगे यानी कि हम जो आर्म होल रखेंगे वो हम 6 इंच का रखेंगे। ये हमने यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल रखा है लेंथ इसकी। अब इसके बीच में एक निशान लगा लेंगे हाफ में 3 इंच पे, और यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह। यहाँ पे शेप, हाफ इंच की शेप, ये हमारा फ्रंट का निशान है। तो आइए अब हम बैक का निशान लगा लेंगे। बैक के लिए भी हम पहले 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे, 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे हम। इसमें हम टोटल 3 इंच बढ़ाएंगे, इसलिए हमने 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ दिया है, 2 इंच हम नीचे की साइड लेंगे। ये हमने 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से अपनी लेंथ लेंगे 26 प्लस 2 इंच 28। इसको भी मिला देंगे। ये नीचे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ पे भी हम लाइन बना देंगे। ये हमने नीचे भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और ऊपर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। एक
1 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे, यानी कि बैक साइड में हमने टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसमें भी अपना निशान लगा लेंगे आर्म होल का और नेक का। इसमें जो हमने ये 1 इंच रखा है एक्स्ट्रा, हम इसमें ऊपर नेक का निशान यहाँ लगाएंगे, क्योंकि बैक में हमारा हम 1/2 इंच की शेप देंगे। यहाँ से हम 12वां भाग लेंगे ऊपर इस तरह 12वां भाग, और यहाँ से 1/2 इंच की शेप, क्योंकि इसमें कॉलर आएगा तो बैक में हम हल्की सी शेप देते हैं। यहाँ पे 7 इंच पे शोल्डर का ऊपर हम जो एक्स्ट्रा है वहां पे तो रखेंगे ही, और नीचे हम जितना हमने फ्रंट में लिया था 6 इंच, वहां पे हम 6 इंच लेंगे। और 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको गोल कर देंगे इस तरह। यहाँ पे भी हमने चेस्ट का 4th भाग रखा है +2 इंच। ये +2 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। इसमें अब हमें फैब्रिक में कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना है, हमने इसमें जो सिलाई का है वो 2 इंच एक्स्ट्रा पहले ही रख लिया है। फ्रंट में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और बैक में हमने 2 इंच नीचे रखा है एक्स्ट्रा और 1 इंच ऊपर रखा है। ये हमारे फ्रंट और बैक है। अब हम अपनी स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। स्लीव्स हमारी है 18 इंच लेंथ उनकी, तो 18 में हम एक माइनस कर देंगे तो हमारी 17 इंच की हम लेंथ रखेंगे स्लीव्स की। चेस्ट का 4th भाग लेंगे ऊपर आर्म गोलाई के लिए। और जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही नीचे लेंगे और एक लाइन बना देंगे। यहां से जो गोलाई करेंगे हम, वो हम यहाँ पे 12वां भाग लेंगे चेस्ट का 3 इंच, और यहां से इसमें इस तरह शेप कर देंगे। नीचे में कोई शेप नहीं देनी है, क्योंकि हम इसके जो कफ बनाएंगे वो जो नीचे का पोर्शन है हमारा कफ में आ जाएगा। अब हम इसके कफ बनाएंगे। कफ में हमें चेस्ट का 4th भाग +1 इंच, ये हमने चेस्ट का 4th भाग और +1 इंच लिया है। और जिसकी चौड़ाई रखेंगे वो हम चेस्ट का 12वां भाग रखेंगे और +1 इंच यानी कि 4 इंच। ये हमारे कफ बाजू ये फ्रंट ये बैक, ये हमारी इसकी प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हम इसका कॉलर कट करेंगे। अब हम इसमें कॉलर बनाना सिखाएंगे। कॉलर हमारा वैसे तो जितना हमारा फैब्रिक में आएगा उतना ही कटेगा, लेकिन ये मेथड के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जितना हमारा गला है चौड़ाई का, उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ये मैं केवल आपको ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि जब हम फैब्रिक पे नेक कट करेंगे इंची टेप से मेजरमेंट लेंगे नेक का, तभी हम कॉलर बनाएंगे अपना। अभी मैं केवल आपको ड्राफ्टिंग के लिए बता रही हूँ। ये मैंने अंदाजे से इसकी
लंबाई रख ली है। चौड़ाई में हम इसका चेस्ट का छठा भाग लेंगे, -1, यानी कि छठा भाग उसमें से 1 इंच कम कर देंगे। ये हमारा 4 इंच हुआ। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे की साइड, वहां पे 1 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। और इसको यहाँ इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको मिला देंगे। नीचे से भी 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, उसको भी मिला देंगे। ये हमारे कॉलर की शेप है। यहां से हमने जितना हमारा मेजरमेंट करके गला आएगा उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे उसकी शेप के लिए। यहाँ से हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है वहां से हमने ये जो ऊपर है कोने में यहाँ पे हमने मिला दिया है, यानी कि इसकी शेप कॉलर जैसी आ गई है। अब इसको शेप देने के लिए 1/2 इंच हमने यहाँ से कम कर दिया है और 1/2 इंच हमने यहाँ से कम कर दिया है। अभी हमारी जो कटिंग होगी कॉलर की वो ये होगी। ये हमारा कॉलर है। आइए, हमारी अभी ये प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कॉलर है, ये हमारे कफ हैं, ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारा फ्रंट का पीस है। इसमें हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा है इस तरह हम इसको अंदर फोल्ड करके इस पे बटन और काज बनाएंगे। ये मेरे सिंगल पीस है। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो 2 पीस हो जाएंगे, एक इस साइड का और एक इस साइड का। और ये मेरा बैक है। बैक में मैंने जो ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसमें ही मैंने नेक लिया है, उसी में मैंने शेप दी है। और ये आर्म होल में भी 1 इंच प्लस हो गया है, ऊपर 1 इंच ऊपर का और 6 इंच यहाँ नीचे का, 2 इंच हमने यहाँ पे नीचे प्लस किया है। तो आइए अब हम अपनी फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। ये मेरा फैब्रिक है। फुल शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर की जरूरत होगी। हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो आइए पहले हम फ्रंट पीस निकाल लेंगे अपना। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। आइए इसमें निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच रखेंगे। और इसके आगे हम 2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम अपनी लेंथ रख लेंगे। लेंथ में भी हम 2 इंच प्लस करेंगे, 26 और 28, 2 इंच प्लस। इस साइड भी 28 पे निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे पहले, क्योंकि जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसकी लाइन अलग बना के जब कट करेंगे हम। यहाँ से हमने चेस्ट का 4th भाग और 2 इंच प्लस किया है। ये हमारा 10.5 है, तो 10.5 पे पहले एक निशान लगा लेंगे।
और एक लाइन बना लेंगे। अब हम इससे आगे 2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे अपनी बटन और आई की पट्टी के लिए। मैंने आपको अपनी ड्राफ्टिंग में भी पूरी तरह से समझाया है, उसी तरह हम अपने फैब्रिक पे भी निशान लगाएंगे। फैब्रिक हम डबल करके निशान लगाएंगे और जो ड्राफ्टिंग की है वो मैंने एक पेपर पे की है। ये मैंने निशान लगा लिए है, चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम अपने नेक यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच, और जो 7 इंच हमने शोल्डर का हाफ रखा है, आर्म होल के लिए भी हम जो नॉर्मल कुर्ती वगैरह बनाते हैं उसमें रखते हैं नॉर्मल 1/2 इंच प्लस, इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 7 इंच लिया है तो हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। और इसके हाफ में इस तरह निशान लगा के इसमें गोलाई कर देंगे। अब यहां से जिस साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उस साइड हम नेक का निशान लगाएंगे, चेस्ट का 12वां भाग। 2 इंच जो एक्स्ट्रा है उससे पहले निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमने चेस्ट का 12वां भाग लिया है और यहाँ से भी 12वां भाग लिया है, इसको भी होल कर देंगे। और अब हम 1/2 इंच की शेप करेंगे यहाँ पे। ये हमारे प्रॉपर निशान लग गए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है वहां पे एक कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे ये हमारा एक्स्ट्रा है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब इसमें हल्की सी शेप देने के लिए हम बीच में प्लेट का निशान लगा लेंगे, जैसे कि हम सूट में लगाते हैं इसी तरह गर्ल्स जो शर्ट बनाते हैं गर्ल्स के लिए उसमें बीच में आपने देखा होगा प्लेट डली रहती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बीच में एक प्लेट का निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम 10 इंच पर लेंगे। ये ऊपर से मैंने 10 इंच पर लिया है और यहां से 4.25 इंच पर लेंगे, 4.25। अब यहाँ आर्म होल से हम 14 इंच लेंगे। ये जो हम प्लेट डालेंगे ये हम यहाँ 14 इंच तक डालेंगे केवल, तो ये हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 14 इंच पे, इस तरह। अब हम ये जो प्लेट डालेंगे
यहाँ से भी हम कोना बनाएंगे, यहाँ से भी कोना बनाएंगे, बीच में हल्का सा शेप देंगे। इस तरह तो ये हम दोनों पीस पे लगा करेंगे बाद में। ये मैंने बैक पीस के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है अपना डबल। अब सबसे पहले हम 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे। ये हमने 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ दिया है। अब हम नीचे लेंथ रखेंगे अपनी 28। इसमें भी हम 2 इंच, इसमें टोटल हम 3 इंच प्लस करेंगे, जो कि हम 1 इंच ऊपर कर चुके हैं और 2 इंच हम नीचे करेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का 4th भाग रखेंगे प्लस 2 इंच। यहाँ से तीरे का निशान रखेंगे अपना। इंच। अब यहाँ इसमें बैक में हम नेक बहुत हल्का सा कट करेंगे 1/2 इंच का, जो उसकी गोलाई करेंगे हम 1/2 इंच की करेंगे। तो यहाँ से हम चेस्ट का 12वां भाग लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच। ये 1/2 इंच की शेप। अब आर्म होल के लिए 1 इंच हमारा ऊपर आ जाएगा, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, और 6 इंच हम नीचे लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यहाँ पे भी हम गोलाई कर लेंगे अपनी। इसमें फ्रंट और बैक में सेम गोलाई होगी यहाँ पर। आइए अब इसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पीस है। इसमें भी अगर हम प्लेट डालना चाहते हैं तो इसमें भी हम ऊपर से 11 इंच पे लेंगे, 1 इंच ज़्यादा। और यहाँ से 4 इंच पे, और ये सेम रखेंगे हम 14 इंच। इसको दोनों साइड इस तरह लगाएंगे हम अपनी प्लेट को। फैब्रिक फोल्ड किया हमने और इसको हल्का हल्का ऐसे किया, और ये यहाँ पे हमारा आ गया है। ये हमारी दोनों प्लेट यहाँ आ गई है। अब हमें यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे हम, वो केवल हम 1/2 इंच पे लगाएंगे इस तरह यहाँ पे। उसको ही हम
यहाँ इस तरह गोल कर देंगे। इसमें जो हमने एक्स्ट्रा रखा था 2 इंच अपनी चेस्ट के फोर्थ भाग में, वो हमारा सिलाई के लिए था। तो आप फिर जितनी फिटिंग हो उसके हिसाब से सिलाई लगाएं इसमें। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। ये मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, जो हमारी साइड में से कटिंग बची है उसमें से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। तो हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे 4 तह में। और जितनी हमारी लंबाई है उसमें से हम -1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 12वां भाग रखेंगे 3 इंच और इसकी गोलाई कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं। अब हम इसके कफ कट करेंगे। आइए अब हम इसके कफ कट करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 4th भाग +1 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम इसका 12वां भाग +1 इंच। ये हमने चेस्ट का 4th भाग +1 इंच इधर रखा है और चेस्ट का 12वां भाग +1 इंच इधर रखा है। ये हमारे एक एक कफ है एक स्लीव्स का। अब इसी तरह हम दूसरा कट कर लेंगे। ये हमने अपने दोनों कफ कट कर लिए हैं। जब हम इनकी सिलाई करेंगे तो पहले हम इनको इस तरह सिल लेंगे इसके अंदर फेसिंग लगा के। ये हमारे कफ है। कॉलर हम जब कट करेंगे जब हम अपनी शर्ट का नेक ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद उसका मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हम अपना कॉलर कट करेंगे। अगर आप नीचे से इसमें गोलाई चाहते हैं इस तरह कोने में हम एक एरो बना देंगे यहाँ पर और यहाँ से इसमें गोलाई कर देंगे। गोलाई हमने आर्म होल की साइड की है। इस तरह हम गोलाई करेंगे। तो आइए अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। पहले सबसे पहले जो हमने इसमें प्लेट का निशान लगाया है उसको डार्क कर लेंगे और दूसरे वाले पीस पे लगा देंगे इसको। इस तरह अब हम पहले इसमें प्रीटी तैयार कर लेंगे अपनी। ये हम इसको इस तरह लेंगे और यहाँ कोने से स्टार्ट करेंगे। ये हमने प्लेट इसमें इस तरह डाली है। यहाँ से हमने कोना लिया है बिल्कुल और यहाँ से हल्का हल्का हमने इसको बढ़ा दिया। और जब हम यहाँ लास्ट में आए यहाँ पे भी हम इसने इस तरह इसको कोने से लिया। तो ये दोनों तरफ से शेप में है और बीच में थोड़ी चौड़ी है हमारी, तो ये हमारी इस तरह आएगी। इसी तरह हम अपनी बैक में और फ्रंट में डाल लेंगे अपनी प्लेट।
ये हमने फ्रंट और बैक में अपनी प्लीट डाल ली है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। पहले ये हमने इसके शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम ये अपनी आगे की जो बटन वाली पट्टी है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने ये फेसिंग ली है, इसको यहाँ रख के इस तरह सिलाई लगा देंगे। एक अब हम इसको जो ये हमने कट लगाया था यहाँ पर, ये कोना पकड़ेंगे अपना और कट के ऊपर इस तरह रख देंगे और इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये हमने इस पे डबल सिलाई लगा दी है और जिस तरह ये वाली पट्टी तैयार की है उसी तरह हमारा ये दूसरे वाला पीस है, इसकी भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। पहले ये मैंने दोनों पट्टी तैयार कर ली है अपनी। अब हम इसमें पहले साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों तक फिटिंग का निशान फिटिंग लगा ली है। अब हम इसके नीचे से गोलाई तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसको एक बार फोल्ड किया है। अब हम इसको दोबारा इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। जो ये एक बार किया है इसी को हम डबल फोल्ड कर देंगे पूरे पे। ये हमने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका कॉलर कट करेंगे। कॉलर के लिए पहले हम यहाँ से इसका नेक मेजरमेंट कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको अपना नेक थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा लग रहा हो या आपका फैब्रिक कुछ इस तरह का हो कि कटिंग के बाद लूज़ हो गया हो तो आप इसमें पहले एक पैर की सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद अपना नेक मेज़रमेंट करें।
ये हमने इसमें एक सिंपल सिलाई लगा ली है। अब हमारा फैब्रिक खुलेगा नहीं, और अब हम अपना नेक मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमारा 20 इंच है, तो 20 में हम जो बुकरम लेंगे वो हम 11 इंच डबल लेंगे। ये हमारी बुकरम है, इसको हम डबल कर लेंगे इस तरह। ये हम इसको 11 इंच लेंगे डबल में, क्योंकि हम इसमें नेक के जितना हमारा नेक है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। लंबाई में गोलाई का पूरा और प्लस 1 इंच, और चौड़ाई में छठा भाग माइनस 1 इंच। आप अगर छोटा कॉलर बनाना चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको पसंद हो उस तरह का आप कॉलर बनाएं, छोटा या बड़ा चौड़ाई में। अब यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे और यहाँ से कोना मिला देंगे। ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमारा यहाँ पर निकल गया है। अब हम यहाँ ऊपर की साइड से 1/2 इंच नीचे से लेंगे, 1/2 इंच ऊपर से। और इसको मिला देंगे इस तरह। ये हमारे कॉलर की शेप है, अब इसको कट कर लेंगे। ये हमारा कॉलर है, अब हम इसको फैब्रिक पे तैयार कर लेंगे। पहले मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है डबल, और ये कॉलर इस पे मैंने सेट कर दिया है, तो हम ये सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे 3 तरफ।
ये हमने तीन तरफ सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम जिधर हमने फिक्स किया है उस साइड से इस तरह फैब्रिक को सिल देंगे। ये हमने इसको एक तरफ से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ से हम जितना सिलाई के लिए लेंगे उतना रख लेंगे, बाकी कट कर देंगे। ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब हम इसको शर्ट में फिक्स कर देंगे। यहाँ से हम कॉलर को सेट करेंगे। ये हमने कॉलर अपनी शर्ट पे सेट कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमने एक तरफ से इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम ये कॉलर इस तरह रखेंगे अपना, और जो ये हमने यहाँ पे जॉइंट लगाया है इसको अंदर करेंगे सब, और यहाँ पे एक एक सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे तीनों साइड। ये हमारा कॉलर सेट हो गया है। इसमें इस तरह आएगा। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। आइए पहले अपनी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। उसके लिए पहले हम कफ तैयार करेंगे। उसके लिए फेसिंग ली है और ये फैब्रिक लिया है हमने, जो हमने अपनी कटिंग की थी। इस तरह रखेंगे डबल फैब्रिक, और ये फेसिंग इसके ऊपर रखेंगे, उसको सिल देंगे तीन साइड से। और इसको इस तरह पलट देंगे, ये फेसिंग हमारी अंदर हो जाएगी और फैब्रिक बाहर आ जाएगा। अब हम एक सिलाई इसके बाहर की साइड लगा लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। हमने ये अपना कफ तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है। सबसे पहले साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें बीच में गैदर डाल लेंगे जितना हमारा ये एक्स्ट्रा होगा। पहले इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह एक सिलाई लगा के। ये
ये हमने सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ये स्लीव है जो हमारी इसके अंदर डालेंगे और इसको सिल देंगे। अगर आप इसमें प्लेट नहीं डालना चाहते हैं तो आगे से आप इसकी कटिंग करके तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे कफ सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे इसकी गोलाई करेंगे और शर्ट में इसको लगा देंगे। जहां तक हमने इसको सिला है पर हम एक कट लगा देंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे गोलाई वाली। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम इसको शर्ट में सेट कर देंगे। एक स्लीव तैयार कर ली है और इसको लगा दिया है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव भी अपनी तैयार कर लेंगे और उसको लगा देंगे। ये मैंने दोनों स्लीव तैयार कर ली है और इसमें ज्वाइंट कर दी है। अब ये हमारी शर्ट इस तरह आएगी। यहाँ पे हम आई बनाएंगे और यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। आई और बटन मैंने अपनी पहली वीडियो में सिखाया हुआ है। ये मैंने आपको शर्ट का बेसिक बताया है कि हम शर्ट की कटिंग और सिलाई किस तरह कर सकते हैं। आगे आपको शर्ट में और भी मैं काफ़ी डिज़ाइन वाले शर्ट बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह की हम कुर्तियों में डिज़ाइन डालते हैं उसी तरह हम शर्ट में भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने आपको सिंपल शर्ट बनानी सिखाई है बेसिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।